कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, जीता वही व्यक्ति जो कि डरा नहीं। देखिए होता क्या है, अगर कोई भी आप काम शुरू करते हैं, जैसे कि आपने टारगेट बनाया कि मुझे PCS क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो होता क्या है, बहुत लोग डरते हैं यार कहीं मैं ना क्वालिफाई कर दूं कर पाऊं उसके बाद क्या होगा। तो ये ना शब्द जो है, जो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, नेगेटिविटी को अपने अंदर से हटा देता है, वही सफल होता है। तो अपने अंदर के जितने भी नकारात्मक विचार हैं उनको आप बिल्कुल रिमूव कर दिए अपने अंदर से। और दूसरी चीज़, जो नेगेटिव बातें करने वाले लोग होते हैं, जैसे आप इलाहाबाद में अगर रहते हैं तो आपके अगल बगल में दो चार लड़के ऐसे मिल जाएंगे, कहेंगे अबे यार तू तो कभी ज़िंदगी में PCS क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों थोड़ा सा काम करिए, दूरी बना लीजिए, उनको अपना नंबर ना दीजिए, ना उनके आसपास में बैठना शुरू मतलब बंद कर दीजिए, उनके आसपास बैठना, उनसे मिलना जुलना बंद कीजिए, और हो सके तो अपना कमरा चेंज कर लो या शिफ्ट कर लो कहीं और पे, और अगल बगल में किसी से मतलब ना रखो। केवल और केवल आपको किससे मतलब रखना है, अपनी किताबों से, ठीक है। बाकी आपको YouTube चैनल पे मैं सारी जानकारी आपको देता ही रहता हूँ, तो किताबों में लीन हो जाओ। केवल एक ही लक्ष्य आपका होना चाहिए कि मुझे अगर पुलिस में जाना है तो मुझे पुलिस में ही जाना है, इसके लिए जो है मुझे कुछ भी करना पड़े मैं उस अग्नि परीक्षा से जो है गुजरने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे PCS क्रैक करना है तो मैं केवल वही करूँगा, उससे संबंधित ही काम करूँगा। तो कुछ दिनों के लिए अपने सारे शौक को जो है भूल जाइए, आपको ना पार्क में घूमना है, ना मटरगस्ती करना है, ना मूवी देखनी है, अभी बस एक ही लक्ष्य अगर आपका जो है कि मुझे PCS क्वालिफाई करना है तो PCS करना है, मुझे पुलिस में जाना है तो पुलिस में ही जाना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो अभी बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए, सीरियस हो जाइए। अगर आपने सीरियस होकर एक साल तक मेहनत कर दी तो किसी का बाप भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और अब हम शुरू करेंगे आज के 9 अक्टूबर के सेशन को। देखिए आज के जितने भी करंट अफेयर बहुत ही सिलेक्टिव हैं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको नोबेल के शांति पुरस्कार के बारे में बताऊँगा कि 2021 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये किसको दिया गया, और इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको इस वीडियो के PDF मिल जाएगी। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है वहाँ पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर बहुत सारे PDF वगैरह फ्री में मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि विश्व अंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड एग डे कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व अंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड एग डे को हम अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को मनाते हैं। देखिए अंडा तो बहुत लोग खाते होंगे, और एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ठीक है। तो ये शायद भारत सरकार ने चलाया था ताकि लोग जो है मतलब देखिए पहले क्या था कि इतने सारे क्या कहा जाए प्रोटीन पाउडर और ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लोग शरीर बनाने के लिए जो है अंडे का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि अंडा जो है बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है, सबसे शुद्धतम सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन इसका विभाव क्या है, मिल्क है। तो अभी यहाँ पे दूध की बात नहीं हो रही, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अंडा दिवस की, ठीक है। तो अंडा जो है ये रिच सोर्स है प्रोटीन का, और लोगों को जो है इसलिए कहा जाता है भाई ये सबसे सस्ता सोर्स है। देखिए 5 रुपये का अंडा तो सभी खरीद सकते हैं, लेकिन 50 रुपये लीटर का दूध सभी नहीं पी सकते हैं। तो इसीलिए जो है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व अंडा दिवस मनाता है, और ये अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को मनाता है। और इस बार का जो अक्टूबर महीने का दूसरा शुक्रवार था ये 8 अक्टूबर को पड़ा था, तो 8 अक्टूबर को आपने क्या मनाया, विश्व अंडा दिवस, ठीक है। अभी तो नवरात्रि चल रही है, आप अंडा भी नहीं खा सकते हैं। देखिए 2021 का जो विश्व अंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड एग डे है, इसका थीम है सभी के लिए अंडे, प्रकृति का संपूर्ण पैकेज, यानी कि एग्स फॉर ऑल, नेचर्स परफेक्ट पैकेज। तो डेट और थीम यह रखेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो देखिए भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे को हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और देखिए इस वर्ष भारतीय वायुसेना ने अपनी 89वीं वर्षगांठ मनाई है। और एक चीज़ और है, देखिए जो भारतीय वायुसेना है इसको आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में स्थापित किया गया था, इसको याद रखेंगे तो अच्छा होगा। और एयरफोर्स मतलब वायुसेना की बात हो रही है, देखिए लास्ट में एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है वीडियो के आज, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बस इतना याद रखिए 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में
इंडियन एयरफोर्स को स्थापित किया गया था, यानी कि भारतीय वायुसेना को स्थापित किया गया था। देखिए 1950 में इस रॉयल इंडियन एयरफोर्स का नाम बदला और ये बन गया भारतीय वायुसेना, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका था, एक रिपब्लिक हो गया था 1950 में, तो इसीलिए जो है उस समय इसका नाम चेंज कर दिया गया उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा, और रॉयल इंडियन एयरफोर्स बन गया भारतीय वायुसेना, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत मतलब अंडर में आ गया, फिर अंग्रेजों से जो है इसको मुक्ति मिल गई। अगला प्रश्न है कि विश्व निवेश सप्ताह 2021 यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2021 जो है ये कब से कब तक मनाया गया। देखिए 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व निवेशक सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक मनाया गया। देखिए जो विश्व निवेशक सप्ताह है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन के द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा और सुरक्षा इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिभूति नियामकों की विभिन्न पहलों को उजागर करने के लिए एक पहल है। और आपको बता दूं 2021 में जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन है तो इसके द्वारा मनाया जाने वाला ये जो आपका WIW यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक यानी कि विश्व निवेशक सप्ताह है, तो इस अभियान के प्रमुख संदेश दो विषयों पर आधारित होंगे। पहला विषय आपका होगा स्थायी वित्त और दूसरा होगा धोखाधड़ी और घोटाले की रोकथाम। तो ये डिटेल्स थी, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि 2021 का जो आपका विश्व निवेशक सप्ताह है तो इसके प्रमुख संदेश जो है ये दो विषयों पर आधारित होंगे, इसको याद रखिएगा। पहला विषय होगा स्थायी वित्त और दूसरा होगा धोखाधड़ी और घोटाले की रोकथाम। डेट याद रखना है 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व निवेशक सप्ताह 2021 मनाया गया। अगला है कि नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए सबसे धमाकेदार क्वेश्चन आज का है और इसमें कुछ और भी फैक्ट मैं आपको बताऊंगा साथ में। देखिए दो व्यक्ति हैं, पहले का नाम है मारिया रेशा, यहाँ पे एक फोटो दिख रही है महिला की, ये मारिया रेशा हैं। दूसरे का नाम है दिमित्री मुराटो, ये जो है एक पुरुष हैं। इन दोनों को 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो मारिया रेशा हैं, याद रखिएगा ये फिलीपींस की एक महिला पत्रकार हैं, और जो आपके दिमित्री मुराटो हैं ये रूस यानी कि रसिया के एक पत्रकार हैं। देखिए नामों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन पुरुष है कौन महिला है, क्योंकि यार ये विदेशी महिलाएं बाल बाल कटवा के रखती हैं। खैर कोई बात नहीं, ये इनकी पर्सनल चीज़ें हैं, मतलब इनको जैसे अच्छा लगता है वैसे रहती हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें स्त्री और पुरुष में अंदर ढूंढना है। तो देखिए यार मारिया जो है ये हमेशा महिला का ही नाम होता है और ये इमित्री दिमित्री जो है पुरुष होते हैं। तो मारिया याद रखिएगा, मारिया मारिया सेनोरिटा मारिया जो गाना आपका है उसके आधार पर कि मारिया रेशा जो है एक महिला है, कहाँ की है ये, फिलीपींस की पत्रकार हैं, और दिमित्री मुराटो जो है ये आपके रूस के पत्रकार हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से 2021 का नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। सवाल ये उठता है कि इन दोनों को नोबेल का शांति पुरस्कार क्यों दिया गया, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए जो आपकी मारिया रेशा है, दिमित्री मुराटो है, इन दोनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इनके संघर्ष को लेकर 2021 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। जैसे कि आप टीवी पर डिबेट देखते होंगे इंडिया न्यूज़ वगैरह पे, तो उस पर ये कहते हैं कि भारत में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, लोगों को जो है जबरन उनकी आवाज़ को दबा रही है सरकार, तो ये हो रहा है वो हो रहा है। जैसे कि आप इंडियन न्यूज़ चैनल आप खोलें तो आपको लगेगा पूरे दुनिया मतलब पूरे भारत में बिल्कुल एकदम अशांति फैली हुई है, चारों तरफ जो है भुखमरी और बेरोजगारी, जो दुनिया भर की मतलब विपत्ति है, सब आफत आ गई है भारत पर ही। तो इंडियन न्यूज़ चैनल को जो है देखना बंद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग आपका शांत हो जाएगा। उस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत बात होती है, तो यही फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात यहाँ पर हो रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बात हो रही है, और इसी के लिए लड़ाई लड़ी थी मारिया रेशा ने और दिमित्री मुराटो ने, और इसीलिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 मिला। तो ये कोरिलेशन मैंने इंडियन न्यूज़ चैनल से इसलिए किया ताकि आपको याद रहेगा। देखिए आपको बता दूं इन दोनों को जो है कुल 329 कैंडिडेट में से चुना गया है, किसको, मारिया रेशा और दिमित्री मुराटो को। और आपको बता दूं जो मारिया रेशा हैं, ठीक है, जो कि फिलीपींस की पत्रकार हैं, तो ये जो है एक न्यूज़ साइट रैपला की सहसंस्थापक हैं, और इन्होंने फिलीपींस में सत्तावादी ताकतों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया था। और जबकि रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटो हैं, इन्होंने स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाजा गजेता निकाला और रूस में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लंबे समय तक काम किया, तो इसी योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल 2021। देखिए कभी कभी प्रीवियस ईयर का भी एग्जाम में पूछ लेता है कि पिछले साल का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला,
तो देखिए यहाँ पे पिछले साल यानी कि 2020 की बात करें तो 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया विश्व खाद्य कार्यक्रम को, ठीक है, किसको दिया गया, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। देखिए जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को जो है सहायता मुहैया कराई जो कि तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। और जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसके बारे में बता दूं, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो कि भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो इसने क्या किया था मैंने बता ही दिया, इसने 88 देशों में जो है करीब 100 मिलियन लोगों को जो है भोजन मुहैया कराया था जो कि भूखमरी का शिकार हुए थे, इसलिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार के बारे में एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, यहाँ पे एक व्यक्ति दिख रहा है जिनकी फोटो आपको सामने क्लियर दिख रही है, इनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। प्रश्न एग्जाम में ये पूछा गया था कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। और अल्फ्रेड नोबेल जो है आपको बता दूं इनका जन्म हुआ था स्वीडन में, ये स्वीडन के बहुत ही महान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। और जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद जो है इन्होंने कहा था कि जो मेरी संपत्ति है उससे अब नोबेल पुरस्कार आप लोगों को दीजिए ताकि वो लोग जो है समाज के कल्याण के लिए रिसर्च करें, मतलब जितने भी समाज कल्याण के लिए रिसर्च करने वाले लोग हैं उनको नोबेल का पुरस्कार दीजिए। तो 1901 में फिर उसके बाद नोबेल फाउंडेशन बना। नोबेल फाउंडेशन हर साल जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से, कब से, 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार वितरित कर रहा है। तो अब 100 साल हो गए नोबेल पुरस्कार को, क्योंकि 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, 2021 चल रहा है। देखिए नोबेल पुरस्कार को दुनिया का सर्वोच्च सम्मान कहते हैं और ये 6 श्रेणियों चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और शांति के साथ साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो नोबेल पुरस्कार है ये पुरस्कार केवल जीवित लोगों को दिया जाता है, ये मरे हुए यानी कि मृत लोगों को नहीं दिया जा सकता है। और सबसे खास बात, नोबेल पुरस्कार के जो विजेता होते हैं इन विजेताओं के नामों की घोषणा अक्टूबर महीने में की जाती है, लेकिन ये सभी पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन में जो है वितरित किए जाते हैं। स्वीडन के राजा के हाथों जो है ये सारे जो विनर्स होते हैं जिनकी घोषणा अक्टूबर में होती है उनको 10 दिसंबर को सम्मानित किया जाता है। तो ये था नोबेल पुरस्कार के बारे में, इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि एक एक नंबर जो है कीमती है। अगला की फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए जो फिच रेटिंग्स है इसने चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसके लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 8.7% कर दिया है। आपको बता दूं जो फिच रेटिंग्स है इसने कहा है कि जो 2021-22 का वित्तीय वर्ष होगा इसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी, 8.7%, और जो अगला वित्तीय वर्ष होगा 2022-23 का उसमें जीडीपी की जो वृद्धि दर होगी तो ये जो है लगभग रहेगी 10%, ये एक अनुमान है। और इसका फाइनल डेटा तब आता है जब वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है, उसमें पूरा एनालिसिस हो जाता है तब आता है, ठीक है। तो अभी ये अनुमान है, अनुमानों को एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक और अनुमान अभी मैं बताऊंगा आरबीआई वाला, अभी ये फिच रेटिंग्स का है, इसको याद रखिएगा कि फिच के अनुसार जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रह सकती है, 8.7%। और फिच रेटिंग्स की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पॉल टेलर। और फिच रेटिंग्स की स्थापना जॉन नोवेस फिच ने की थी, इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1913 में की गई थी। छठवां की हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। तो देखिए ये राज्य आपका छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को जो है दोनों को मर्ज करके एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर जो घोषित करने का प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी दिया है, यानी कि जो ये दोनों टाइगर रिजर्व थे इनको मिलाकर एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो इसका नामकरण अभी नहीं किया गया है, जो नया वाला बनेगा जब होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। देखिए छत्तीसगढ़ में बना ये नया टाइगर रिजर्व जो है ये झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। देखिए वर्तमान में बात करें तो जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है तो यहाँ पर अचानकमार, उदंती, सीता नदी और इंद्रावती रिजर्व
ये तीन जो है टाइगर रिजर्व थे अब तक, लेकिन अब ये चौथा टाइगर रिजर्व बन जाएगा इन दोनों के मर्जर के बाद, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बारे में जान लीजिए, देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के कौन, भूपेश बघेल, और क्रम से भूपेश बघेल तीसरे मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। देखिए छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को, और छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं, 32 हैं। देखिए बिहार में 4 नए जिलों का जो गठन हुआ था छत्तीसगढ़ में, पहले का नाम है मोहला मानपुर, दूसरा है सारंगढ़ बिलाईगढ़, और तीसरा है सक्ती, और चौथा है मनेन्द्रगढ़, ठीक है। तो अब टोटल 32 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है, राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, राजकीय वृक्ष है साल, राजगीत है अपरा पैरी के धार महानदी अपार। और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पे आप मैप में देख भी सकते हैं, देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ है, इसके बगल में आपको MP, UP, बिहार, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सारे आपको दिख रहे हैं, और बगल में महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं, यहाँ पर महानदी, गोदावरी, इंद्रावती, सोन, पैरी, हसदेव और सबरी, ये सारी नदियाँ बहती हैं। और छत्तीसगढ़ में जो है दुधवा बांध स्थित है महानदी पर, धमतरी जिले में ये आपका छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन में स्थित है, जो कि कोरबा जिले में स्थित है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। सातवां की RBI ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष होगा, इसकी पहली तिमाही में रियल GDP ग्रोथ रहेगी, रेट रहेगी 17.2%, यानी कि बहुत लंबा अनुमान हो गया 17.2%। और देखिए आपको बता दूं, RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्होंने कहा कि 2022 का जो वित्तीय वर्ष होगा, इसमें GDP ग्रोथ के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और ये जो है आपका 9.5% पर बरकरार रहेगा। देखिए यहाँ पे जो आंकड़ा ये 17.2% का है, ये जो है 2022-23 के वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही का है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले तिमाही का ये आंकड़ा है, पहले तिमाही में 17.2% रहेगी, लेकिन ओवरऑल 2022 की बात करें तो 2022 के वित्तीय वर्ष में जो आपका GDP ग्रोथ रेट है ये कितना रहेगा, 9.5%। और RBI की बात करें तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसके 25वें गवर्नर क्रम से हैं कौन, शक्तिकांत दास, ये क्रम पूछा गया था एग्जाम में, इसको याद रखेगा। देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय में 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन बाद में भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है इसको ट्रांसफर करके मुंबई में कर दिया गया। आठवां की हाल ही में कौन आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाएं के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो देखिए बिहार में ER SEK को बनाया गया है आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाएं के पहले महानिदेशक के रूप में। देखिए जो आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाएं है, ये जो है जो आयुध कारखाना बोर्ड यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसी का एक उत्तराधिकारी संगठन है आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाएं, जिसके पहले महानिदेशक कौन बने हैं, ER SEK। और नवा प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्टार्स अवार्ड के 2020-21 संस्करण में किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो देखिए हरमनप्रीत सिंह को जो है, भारत के जो हरमनप्रीत सिंह है जो कि एक हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्टार्स अवार्ड 2021 मतलब 2021 के संस्करण में जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आइए थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं कि इसको कौन सा अवार्ड मिला। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा दिया जाने वाला स्टार अवार्ड है, तो इस स्टार अवार्ड में जो है प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो पुरस्कार है ये हरमनप्रीत सिंह को दिया गया भारत के, और जो महिला वाला पुरस्कार है यानी कि जो आपका प्लेयर ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार है ये गुरजीत कौर को दिया गया है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका स्टार अवार्ड था, ठीक है, इसमें गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरुष का अवार्ड PR श्रेयस को दिया गया, और गोलकीपर ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार सविता पुनिया को दिया गया। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्टार अवार्ड था, तो इसके 2020-21 के संस्करण में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुरुष श्रेणी में विवेक सागर प्रसाद को दिया गया, महिला श्रेणी में शर्मिला देवी को दिया गया। और जो कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये पुरुष श्रेणी में ग्राहम रीड को दिया गया, और महिला श्रेणी में
जो अर्ड मारिन को दिया गया। तो इस पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, मोटी मोटा कहा जाए तो यहाँ पे 8 प्रश्न आपके टोटल दिए गए। ठीक है, और 8ों को आप याद रखिएगा तो आपके 8 नंबर पक्के रहेंगे। जैसे प्लेयर ऑफ द पुरुष ईयर, पुरुष का पुरस्कार किसको दिया गया, ये अलग से पूछेगा, या फिर ये पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्टार अवार्ड में प्लेयर ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार किसने जीता। तो ये सारे नाम आपको पता होंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। 10वां, कि हाल ही में किसने एयर इंडिया एयरलाइन को खरीद लिया। देखिए, जो आपका एयर इंडिया है ये बिक चुका है, इसको टाटा सन्स ने खरीद लिया है। देखिए, आपको बता दूं, भारत सरकार ने 2 दशकों से अधिक समय और 3 प्रयासों के बाद आखिरकार अपनी जो प्रमुख राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया है इसको 180 बिलियन रुपए में बेच दिया है। किसको? टाटा सन्स को, यानी कि टाटा सन्स ने 180 बिलियन रुपए में खरीदा है एयर इंडिया एयरलाइन को। ये अमाउंट याद रखिएगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आखिर क्यों एयर इंडिया को जो है बेचना पड़ा। देखिए, जो आपका एयर इंडिया है इसकी स्थापना अक्टूबर 1932 में जमशेदजी नसरवान जी टाटा ने की थी, यानी कि JRD टाटा ने की थी। और आपको बता दूं, ये उस समय टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था जब एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी। और ये 68 वर्षों के बाद एयर इंडिया की टाटा में वापसी है, एक बार फिर से टाटा ने इसको खरीद लिया है। आपको बता दूं, भारत सरकार ने 1953 में इसका, यानी कि जो टाटा एयरलाइन था, तो टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण किया था और उसको एयर इंडिया बना दिया था। तो फिर से जो है एयर इंडिया पहुंच गया है किसके पास? टाटा के पास। अब ये शायद टाटा एयरलाइन हो जाए। और इसको बेचना क्यों पड़ा? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यार मोदी जी इतनी चीज़ों को बेच क्यों रहे हैं, पगला गए हैं या फिर दिमाग सटिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये एयर इंडिया है ये घाटे में चला था। 2007 में घरेलू ऑपरेटर जो है इंडियन एयरलाइंस साथ, मतलब जो विलय हुआ था उनका, उसके बाद से ये घाटे में है। यानी कि एयर इंडिया 2007 से घरेलू ऑपरेटरों के विलय के बाद से जो है मतलब घाटे में चल रही थी, बहुत नुकसान हो रहा था। इसीलिए भारत सरकार ने सोचा लाओ इसको बेच के थोड़ा बहुत जो पैसा मिल रहा है उसको माल कमा के आराम से ऐश करते हैं। तो खैर, आपको ये चीज़ कैसे लगी, मतलब ये न्यूज़ कैसे लगी? क्या आपको लगता है कि ये मोदी सरकार ने एयर इंडिया को बेचकर गलत किया? गलत किया तो क्यों किया, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 2007 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उसी समय से ये घाटे में चल रही थी। 2014 में, यानी कि 2007 से लेकर 2014 तक जो है लगभग 7 वर्षों तक जो है ये घाटे में रही, बहुत नुकसान हुआ। और अभी तक जो है ये घाटे में चल रही थी, 2021 चल रहा है, और इसीलिए इसको बेचा गया। तो मैं तो अपना व्यू नहीं दूंगा कि ये सही है या गलत है, आप बताइए क्या एयर इंडिया को बेचना सही है या फिर गलत है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, कम से कम 1000 लाइक तो आप कंप्लीट कर लिया कीजिए डेली। ठीक है, अच्छा लगता है मुझे लाइक करते हैं आप लोग, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, खून पसीना जला के रात में 2 बजे तक के जो है आपके लिए वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। तो लाइक मेरा अधिकार है, बाकी आप कंटेंट मैं आपको जो है 100% परफेक्ट देता रहता हूँ। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके लिए, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। चौथा है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले लॉन्च किया, बताइए। और अगला कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर अब कौन सा नया नाम कर दिया गया है, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के रायगढ़ जिले के अलीबाग में उत्पादित होने वाला प्रसिद्ध सफेद प्याज, यानी कि व्हाइट अनियन, को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया। तो देखिए, ये राज्य आपका महाराष्ट्र है। और दूसरा था कि मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर खिताब किसने जीता है, तो मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर खिताब को मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तीसरा था कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस जिले के मिठाई मिहिदाना की पहली खेप पहरीन साम्राज्य को निर्यात की गई, तो देखिए पश्चिम बंगाल का जो वर्धमान जिला है वहाँ पर मिहिदाना नाम की एक मिठाई है, इसको अभी हाल ही में पहली बार पहरीन साम्राज्य को निर्यात की गई है। चौथा था कि किस राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलई पुरस्कार प्रदान किया गया, तो देखिए ये राज्य आपका असम है। और
पांचवा था कि ये दान पुरस्कार 2021 को उसको दिया गया। तो देखिए ये दान पुरस्कार 2021 जो है ये प्रोफेसर एरिक हानुशेक को और डॉक्टर रुकमणी बनर्जी को दिया गया है संयुक्त रूप से। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।